तो क्या करना है, कौन से नट लगेंगे वो भी बताएंगे दोस्तों। एक दूसरा कहाँ से ला के डाले, खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास CM4 कटर मशीन रिपेयर के लिए आया था। देख सकते हैं इसके अंदर की, यहाँ की जो बैरिंग रहती है आर्मेचर के ऊपर वाली, वो बैरिंग चली गई थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो बैरिंग रहती है चली गई थी। देख सकते हैं अब ये नट बोल्ट खुल नहीं रही है। अगर आपको भी ऐसा होता है कि नट नहीं खुलते हैं तो क्या करना है, हम आपको बताएंगे, कौन से नट लगेंगे वो भी बताएंगे दोस्तों। दूसरे नट कैसे सेट करने हैं पूरा तरीका बताएंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों। दोस्तों हम देख सकते हैं, हम गर्म करके खोलते हैं, नहीं खुलता है, टूट जाता है, तो फिर हम काट देते हैं, काट के फिर नया स्क्रू लगा देते हैं। देख सकते हैं हमारे पास नए स्क्रू भी पड़े हुए हैं। हेलो, ये वाले हमारे पास है। पूरी टूट गई है दोस्तों, देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अक्सर कैसा क्या होता है, ये वाले जो नट लगे हुए रहते हैं यहाँ पर, वो टूट जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं ये भी हमारा टूट गया है। तो परेशान होते हैं कि दूसरा कहाँ से ला के डाले। तो दोस्तों देखा देता हूँ मैं आपको, ये वाले नट मिल जाते हैं। देख सकते हैं ये वाले नट अब मिल जाते हैं, ये टूल्स की दुकान में नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर लेना खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ से खरीदना है, उसको क्या बोल के खरीदना है, तो देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने तीनों तरफ नए लाए डाल दिए हैं। देख सकते हैं टाट, देख सकते हैं वाला हमने टाइट कर दिया दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमने स्क्रू को फिट कर दिए। देख सकते हैं तीनों स्क्रू फिट हो गए हैं। चालू करके आपको बताते हैं दोस्तों। देख सकते हैं देख सकते हैं